Welcome in part C of lecture 3. In lecture 3rd we started finding of missing term in the given data. In today lecture we further study more important questions. Uh, in lecture 3rd uh, B, uh, B part, I said that K a polynomial of degree n has nth difference constant and higher differences are zeros.

क्योंकि ये थोड़ा डीप है कि जो डाटा आपको गिवन है अगर वो गिवन किसी पोलोमियल से ही कंस्ट्रक्ट हुआ है तो तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा अदरवाइज आप जो आंसर देंगे वो एरर वाला होगा हम करेंगे अभी लेक्चर uh, फोर्थ में हम स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग द एरर टर्म इन द डाटा ठीक है अस टेक फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल x इज इक्वल टू जीरो the वैल्यू of the function is one. When x is equal to one, value is three. When x is equal to two, y is equal to nine. And x is equal to three, value is missing. Four eighty one. Got this? The question is explain why the result differ from three की power three. देखिए क्वेश्चन अगर ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है और इसमें आंसर है तो हिट एंड ट्रायल मेथड इज अप्रोप्रिएट हीयर कैसे देखिए जब आपकी वैल्यू जीरो है तो आंसर इज वन आपको सोचना है कि क्या वैल्यू इसको वेरीफाई कर रही है देखिए वन है तो थ्री है यानी थ्री की पावर वन कर दो तो आंसर थ्री मिलेगा और जब एक्स टू है तो वैल्यू कितनी है नाइन यानी कि थ्री का स्क्वायर यानी कि गिवन डाटा मुझे पता है दिस इज नॉट फ्रॉम ए पोलॉमियल दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हेयर द फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल बट हम इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कर रहे हैं हम इसको अपने टेबुलर फॉर्म मेथड से यानी कि इक्वली स्पेस अगर डाटा है तो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ प ऑफ एट मोस्ट डिग्री ऑफ एन ठीक है वो वाला रूल यूज करेंगे ये फर्दर आप न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर करना है हमें नेक्स्ट तो वहाँ जब उसका डेरिवेशन करेंगे तो उसमें भी हम कुछ ऐसा ही रूल यूज़ कर करते हैं कि जो मेरा डाटा मुझे गिवन है ये मेरा डाटा ही तो है कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स और वाई वैल्यू गिवन है तो मैं क्या कहती हूँ कि मैं कहती हूँ ये जो फंक्शन है ना ये कोई पोलोमेल से आया है हम रिलेट करते हैं हर फंक्शन को और जो हम कैप्चर नहीं कर पाते वैल्यू जैसे अब इसका आंसर कितना आना चाहिए इसका आंसर आना चाहिए एग्जैक्टली थ्री की पावर थ्री यानी कि ट्वेंटी सेवन आंसर होना चाहिए लेकिन जो हमारा टेबुलर मेथड है जो आप फर्दर कमिंग मेरा सेकेंड एक्सरसाइज और थर्ड है उसमें भी हम करेंगे अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालते होते हैं तो उनका जो बेस है वो क्या है हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पोलोम्बिल मानते हैं और ये पॉइंट कंसिडर करते हैं कि इक्वली स्पेस पॉइंट पर मेरे फंक्शन की वैल्यू और पोलनोम्बिल की वैल्यू क्या है इक्वली स्पेस पॉइंट पर इक्वल ठीक है तो यहाँ पे एक आंसर हमें मिलेगा जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो देखते हैं वो क्या मिलता है कैसे करना है देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि कितनी वैल्यूज़ गिवन है जीरो पे वैल्यू गिवन है वन पे वैल्यू गिवन है टू पे गिवन है थ्री पे नहीं है फोर पे गिवन है यानी वन टू थ्री फोर हेयर फोर पॉइंट्स पे आपको वैल्यू गिवन है तो अगर हम सपोज करें कि डाटा किसी पोलॉर्मेल से मुझे मिला है तो हेयर फोर पॉइंट्स आर गिवन ठीक है तो पोलोमल एटमोस्ट कितने डिग्री की होगी एक कम की बनेगी ठीक है ना लास्ट टाइम किया था तो एन माइनस वन कितना हुआ थ्री तो पोलोमल ऑफ डिग्री एट मोस्ट थ्री डिग्री की बन सकती है इससे ज़्यादा की तो मैं इसे कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकती ठीक है तो थर्ड डिफरेंस क्या होगा कॉन्स्टेंट तो फोर्थ डिफरेंस क्या जाएगा इसका जीरो फोर्थ जीरो होगा तो फिफ्थ भी क्या होगा जीरो सिक्स भी क्या होगा जीरो एंड ऑल दिस ठीक है तो फर्स्ट वट विल यू डू यू विल कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर दिस तो राइट द कॉलम एक्स एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एंड कंस्ट्रक्ट द टेबल ठीक है करो कंस्ट्रक्ट सो आई रोट हेयर एक्स ऑन द फर्स्ट कॉलम वाई ऑन सेकेंड कॉलम ठीक है सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द टेबल सेकेंड माइनस फर्स्ट तो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम क्या है डेल्टा ऑफ वाई एक्स यानी कि फर्स्ट डिफरेंस है थ्री माइनस वन तो आंसर विल बी टू ठीक है ना देन नाइन माइनस थ्री आंसर विल बी सिक्स एक काम करना आप सेंटर में प्रॉपर लिखना मुझे इसके सेंटर की बहुत जरूरत है ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं एरर करवाऊँगी तो प्रैक्टिस करो कि आप सेंटर में ही लिख पाओ इसे ठीक है देन मैंने जो मिसिंग है उसको क्या किया आई रोट हेयर वाई थ्री थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग वाई थ्री यहाँ जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग वाई नोट वन के कॉरस्पांडिंग वाई वन टू के कॉरस्पोंडिंग वाई टू अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना ये फार्मूला तब वैलिड है जब आपका इक्वली स्पेस्ड आर्गूमेंट हो अगर आपका इक्वली स्पेस नहीं है इन दैट केस लेगरेंज फार्मूला और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला वर्क करेगा ठीक है वो हम फ्यूचर में करेंगे चलिए फिलहाल ये क्या आएगा नाइन माइनस थ्री विल बी सिक्स ठीक है ना वाई थ्री माइनस नाइन एंड एटी एटी वन माइनस वाई थ्री दिस वन नाउ द सेकंड डिफरेंस सेकंड डिफरेंस सिक्स माइनस टू फोर वाई थ्री माइनस नाइन माइनस सिक्स तो नाइन माइनस सिक्स फिफ्टीन हो जाएगा एटी वन मतलब हमेशा नेक्स्ट में से प्री प्रीवियस सब्जेक्ट करना है आई होप ये कंस्ट्रक्ट आप कर लेंगे ठीक है अब क्या करना है थर्ड डिफरेंस में दिस माइनस ऑफ दिस तो वाई थ्री माइनस फिफ्टीन माइनस फोर कितना हो जाएगा 19 ठीक है ना एंड नाइन्टी माइनस टू वाई थ्री माइनस ऑफ दिस टर्म तो दिस इज माइनस वाई थ्री प्लस फिफ्टीन तो ऐड कर दो नाउ द फोर्थ डिफरेंस फोर्थ डिफरेंस इज वन हंड्रेड फाइव माइनस थ्री वाई थ्री माइनस वाई थ्री प्लस नाइन्टीन सो आई सोल्ड है वन ट्वेंटी फोर माइनस फोर वाई फोर देखिए इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि फिफ्थ uh, डिफरेंस भी जीरो होगा सिक्स भी डिफरेंस जीरो होगा ठीक है बट uh, यहाँ जरूरत नहीं है ना ही मैं इसे कैलकुलेट कर सकती क्योंकि मेरे पास कितना वैल्यूज़ गिवन है आर्गमेंट फोर गिवन है अब हमने क्या कहा माय फोर डिफरेंस ज़ीरो तो ये रहने दीजिए आप एज फोर्थ डिफरेंस ऑफ दिस वन इज जीरो तो अगर मैं इसे वाई फोर पर अप्लाई करूँगी तो दिस विल वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होगी है ना और ये फोर डिफरेंस है ये वाई नोट है ये वैल्यू क्या होती है दिस इज़ वाई नोट ये वैल्यू क्या होती है दिस इज़ डेल्ट ऑफ वाई नोट ऐसे ही आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है किस चीज़ का इंडिकेशन करती है दिस इज डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई नोट एंड दिस वैल्यू इज डेल्टा क्यूब ऑफ वाई नोट ठीक है ना एंड दिस वैल्यू इज डेल्टा फोर ऑफ वाई नोट ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है गॉट द आंसर ठीक है अब हम क्या कह रहे हैं कि फोर डिफरेंस इज जीरो सो so, यहां पे आप क्या इंफॉर्मेशन दोगे वन ट्वेंटी फोर माइनस ओ फोर वाई फोर दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो दिस ये क्या इंप्लाईज करेगा आपको वाई फोर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फोर बाई ओ फोर तो आंसर इज थर्टी वन सॉरी वाई फोर नहीं ये कहीं मिस्टेक किया देखिए वाई थ्री में से जब सब्जेक्ट करोगे तो ये यहाँ गलत लिखा देखो कैसे वन हंड्रेड फाइव माइनस थ्री वाई थ्री माइनस वाई थ्री तो ये कौन बनेगा दिस इज वाई थ्री तो ये वाई थ्री है तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन वाई थ्री एंड दिस इज़ आल्सो वाई थ्री तो वाई थ्री यानी कि वैल्यू ऑफ माय फंक्शन एट थ्री इज इक्वल टू थर्टी वन ये मिला मुझे मेरे मेथड से जो हमारा ट्रिक है ठीक है तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फाइंड द मिसिंग टर्म तो मिसिंग टर्म का आंसर कितना मिला थर्टी वन बट इन दिस क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड अगर आप लगाओ तो अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट आंसर कौन है एग्जैक्ट आंसर तो आपका थ्री की पावर थ्री है तो फिर ये डिफरेंस क्यों आया ये हमारी एरर टर्म की वजह से आया है ठीक है क्योंकि हमने ये फंडा यहाँ यूज़ किया है या ये अप्रोच हमने यूज़ किया है कि गिवन डाटा आई एम गेटिंग फ्रॉम अ पोलिनोमियर ठीक है बट ये डाटा तो पोलिनोमिल का नहीं है डाटा किसका है डाटा तो आपका थ्री की पावर एक्स का है वट इज़ माई फंक्शन हेयर माई फंक्शन इज थ्री की पावर एक्स और मैं क्या पोजिशन लेके uh, क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ कि ये एक पोलोमिल से डाटा दैट्स वाई यहाँ पर डिफरेंस आया है आंसर आना क्या चाहिए था थ्री की पावर थ्री यानी कि ट्वेंटी सेवन और मैंने आंसर क्या दिया है मैंने आंसर दिया है थर्टी वन ये मेरा एरर टर्म है इसमें टू के ठीक है तो वट विल यू राइट आप इसमें लिखेंगे द गिवन डाटा वी ऑब्जर्व दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ किसका है दैट इज थ्री की एक्स बट जो हमने फॉर्मूला होल्ड किया है हमने सपोज ये किया कि ये एक पोलोमियल है ठीक है तो वैल्यू हमारी जो हम दे रहे हैं आंसर दैट इज डिफर फ्रॉम थ्री की पावर थ्री यानी कि ट्वेंटी सेवन से डिफर कर रहे हैं गॉट द आंसर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका ठीक है लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चाहेंगे कि क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन किया टेबल बना के अगर मैं चाहूँ कि मैं टेबल नहीं बनाना चाहती ठीक है तो बिना टेबल बनाए भी हम कैसे करेंगे देखो यहाँ मैंने कहा कि फोर्थ डिफरेंस जो है वो इस फंक्शन का हम क्या मान रहे हैं दैट इज ज़ीरो सो so, आपने एक डेल्टा का और ई ऑपरेटर का रिलेशन किया था ई माइनस वन की पावर फोर वाई नोट पे ऑपरेट हो गए तो आंसर क्या मिलेगा जीरो कई क्वेश्चन है ना इस तरीके से हमारे जल्दी निकलते हैं तो हम वो भी अपनाई अप्लाई कर सकते हैं वैसे तो देखो जब एक टर्म मिसिंग हो तो बे, बेनिफिशियल रहता है कि आप टेबल कंस्ट्रक्ट करो ईजिली आंसर निकलते हैं बट अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाने वाली हूँ तो मैं वो दोनों तरीके से आपसे करवाऊँगी ठीक है तो उससे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी इन दैट केस फिर अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं अब इसकी एक्सपेंशन बताओ बाइनोमियल एक्सपेंशन आती है एक्स माइनस ए की पावर अगर एन होता है तो या फोर होता है तो क्या होता है दिस इज एक्स की पावर फोर ठीक है फिर नेक्स्ट टर्म क्या आती है फोर सी वन तो वो तो आपका फोर होता है तो फोर एक्स की पावर थ्री ए आता है ठीक है फिर माइनस वन का स्केयर हो जाता है फोर सी टू फोर सी टू आई थिंक सिक्स होता है ठीक है ना एक्स के एस के फिर आपका फोर सी थ्री फोर सी थ्री फिर आपका फोर आ जाएगा एक्स एक कम हो जाएगा ए की पावर एक और हो जाएगी ए क्यू एंड प्लस ए की पावर ऑफ फोर ठीक है दिस इज माई बाइनोमियल एक्सपेंशन तो अप्लाई दिस ई की पावर फोर तो ये एक्स जगह ई की पावर फोर हो जाएगा एक्चुअली यहाँ फोर इज नॉट होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था तो आई होप ये आपको आता होगा ई e की पावर फोर फिर क्या आएगा फिर आएगा फोर सी टू फोर सी वन दैट इज फोर होता है ई e की पावर एक कम हो जाएगा थ्री और माइनस वन आएगा तो इसलिए यहाँ साइन माइनस हो जाता है ठीक है प्लस फोर सी टू फोर कम्बिनेशन टू टू फोर फैक्टोरियल और फिर नीचे टू फैक्टोरियल और फोर माइनस टू इज़ टू फैक्टोरियल फोर इंटू थ्री टू इंटू वन तो आंसर विल बी सिक्स आई होप ये आपको आता होगा ठीक है ना इसके फिर क्या होता है यहाँ माइनस वन का स्केयर आएगा तो प्लस साइन हो जाएगा फिर फोर सी थ्री वो फोर होता है और ई e की पावर वन हो जाएगा और माइनस वन का क्यूब तो माइनस हो जाएगा प्लस ई e की पावर जीरो हो जाएगा और माइनस वन की फोर तो आंसर इज़ वन ये टर्म मुझे मिली इस टर्म को एक्सपेंशन करके ऑपरेट किस पर कर रहे हैं वाई नॉट पर कर रहे हैं तो आई एम गेटिंग है जीरो अब ये टर्म यहाँ चली जाएगी शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या करता है शिफ्ट कर देता है कहाँ पे वैल्यू को फोर पे तो ई की फोर जब वाई नोट पर ऑपरेट होगा तो ई की फोर वाई नोट क्या दे देगा दिस विल गिव यू वाई फोर सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग हेयर वाई फोर माइनस फोर टाइम ऑफ ई की थ्री वाई नोट पे जाएगा तो वाई थ्री प्लस में सिक्स वाई ई की टू पे जाएगा तो वाई नोट पे जाएगा वाई टू हो तो जाएगा ई वाई नोट पे जाएगा तो माइनस फोर हो वाई वन प्लस में वाई ऑफ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो आई गोट हेयर विदाउट कंस्ट्रक्टिंग टेबल आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन तो कैसे करेंगे देखिए वाई फोर की वैल्यू क्या होगी दिस इज़ वाई नॉट दिस वैल्यू इज़ वाई वन दिस वैल्यू इज वाई टू दिस इज़ वाई थ्री एंड दिस इज वाई फोर वाट इज़ वाई फोर दिस इज़ एटी वन फोर वाई थ्री ये मुझे नहीं पता ठीक है ना प्लस सिक्स वाई टू वाई टू इज़ नाइन सिक्स इंटू नाइन फिफ्टी फोर हो जाएगा माइनस फोर वाई वन टू दैट इज ट्वेल्व प्लस में वन इक्वल टू जीरो वैन यू सिम्प्लीफाई हेयर यूअर अगेन आंसर वाई थ्री विल बी थर्टी वन दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज विदाउट कंस्ट्रक्टिंग द टेबल ठीक है समटाइम ये इजी मेथड रहता है समटाइम टेबल कंस्ट्रक्शन इजी रहता है सपोज इस क्वेश्चन में मेरे पास थ्री टर्म्स मिसिंग होती इन दैट केस Uh, मेरे लिए शायद ये मेथड इजी रहता है लास्ट टाइम हमने किया भी था एक पोलोमिल कंस्ट्रक्शन से भी किया था लेक्चर आई थिंक वो बी पार्ट में कर बी में पता नहीं ए, ए में किया था थर्ड लेक्चर के ए पार्ट में वहाँ हमने एक क्वेश्चन किया था मिसिंग टर्म निकालनी है और मैंने पोलोमिल कंस्ट्रक्ट कर ली थी एक्चुअली वो डाटा वास्तव में एक पोलोमियल ऑफ डिग्री दो से ही था तो आपको एग्जैक्टली exactly एक पोलोमिल मिल गई थी एन की फॉर्म में वाई एन कैलकुलेट किया था वहाँ आई होप ये आपको क्लियर होगा ठीक है अब देखते हैं एक न्यू क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई है उसका देखिए क्वेश्चन क्या है इफ वाई एट जीरो इज इक्वल टू वन दिस इज गिवन टू मी इंस्टेड ऑफ गिविंग वाई टू वाई थ्री वाई फोर हेयर द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन दैट इज वाई एट वन प्लस वाई एट टू इज इक्वल टू टेन देन वाई थ्री प्लस वाई फोर प्लस वाई फाइव इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव ठीक है दीज थ्री कंडीशंस आर गिवन टू मी एंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड वैल्यू वाई एट फोर ठीक है आगे देखो क्या कहते हैं अज्यूमिंग दैट द सेकेंड डिफरेंस आर कॉन्सटेंट इट्स नॉट साइन की दिस इज पॉलोमियल एंड ऑल दिस एक इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में दे दी कि सेकेंड डिफरेंस कॉन्सटेंट है अब आप आपने सोचना है कि अगर सेकेंड डिफरेंस कॉन्स्टेंट है तो थर्ड डिफरेंस क्या होगा आप कहिए द सेकेंड डिफरेंस ऑफ वाई फॉर ऑल वैल्यू के लिए बोला है इसने सेकेंड डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट इफ सेकेंड डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट तो आई कैन से थर्ड डिफरेंस एंड हायर डिफरेंसेस आर जीरो ठीक है तो दे आर टू वे टू सॉल्व दिस तो दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चन कह सकते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आप ट्राई कीजिए नहीं सॉल्व होता है तो जो स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में हैं दे विल कांटेक्ट मी एंड आई विल सॉल्व इन पार्ट डी ऑफ लेक्चर थ्री ओके तो ट्राई दिस क्वेश्चन एक हिंट दे देती हूँ वैसे मैं आपको हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस वन द वन वे कि आप इसमें कहेंगे सेकेंड डिफरेंस कॉन्स्टेंट है तो थर्ड डिफरेंस क्या होगा थर्ड डिफरेंस विल बी जीरो फोर्थ डिफरेंस भी क्या होगा जीरो फिफ्थ डिफरेंस भी क्या होगा जीरो ठीक है तो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई नोट टेबल बनाओ आप यहाँ लिख सकते हो वाई टू किसके बराबर होगा टेन माइनस ऑफ वाई वन यहाँ से आप वाई थ्री को लिख सकते हैं टर्म ऑफ वाई फोर एंड वाई फाइव एक तो तरीका है टेबल बनाने का ये वाला फिर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लेना और डिफरेंस करना एक तरीका है ई के ऊपर ऑपरेट कर देना यानी कि e माइनस वन का क्यूब ऑपरेटिंग ऑन वाई नॉट भी आंसर ज़ीरो देगा e माइनस वन का पावर फोर भी ऑपरेटिंग ऑन वाई नॉट जीरो देगा तो आपको तीन कंडीशन है ना वाई थ्री भी नहीं पता वाई फोर भी नहीं पता वाई टू भी नहीं पता ठीक है तो यू विल सॉल्व फोर थ्री इक्वेशंस ठीक है तो दिस इज़ असाइनमेंट क्वेश्चन ठीक है नहीं निकलेगा तो दोज हुआ इन माई कॉन्टेक्ट दे विल टेल मी And I will solve this in lecture uh, third part D. Okay, thank you.